दोस्तों स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें लॉस क्यों लगता है और लॉस कहाँ पे लगता है और रिस्क सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये चीज हम बताने वाले हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे बिजनेस आइडिया भी यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, MSTC के रिलेटेड अभी हम बहुत सारा चीज देने वाले हैं और इससे पहले ही बताए हुए हैं, जाकर इसको देख सकते हैं। ऐसे मेरा कई ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो लोग आए हुए हैं, काफी सारे मेरे पास मैसेज भी आए हैं, काफी सारे कमेंट भी आए हैं, काफी सारे ऐसे हमने खुद किए थे। कई ऐसे चैनल है जो मेरा चैनल था जो बंद हो गया, जिस पर ज्यादातर ट्रेडिंग से संबंधित हम उस पर बातों को रखते थे, शेयर करते थे, काफी सारे लोग देखते थे। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पर भी हम इस चीज को अवेलेबल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि लोग जाने समझें। तो जो मेरे भाई ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं या करना खेलना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज है कि आप लॉस क्यों लगता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, कहीं भी आप ढूंढिए तो सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है शेयर मार्केट का कि लॉस क्यों लगता है, लॉस लगने का रीजन क्या है, लॉस कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है। देखिए दो तीन चीज आप किसी का वीडियो देखिएगा तो वो चीज ये जरूर बता के आपको चलेंगे कि मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और रिस्क, ये तीन चीज को जो है ना कवर करना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई कि ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज मायने भी नहीं रखता है। अगर आप अगर सही से अगर समझेंगे तो बहुत सारा कुछ जान पाइएगा, सीख पाइएगा, समझ पाइएगा। अगर नहीं जाने, नहीं समझे तो आपका बुड़ना तय है। ये श्योर है, 100% गारंटी है कि आपका बुड़ना तय है, यानी आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लीजिए। हमारा काम बेसिकली ये नहीं है कि हम आपको मोटिवेट करें और आप इस फील्ड में कूद जाएं। ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 10,000 लगाकर आप इस फील्ड में आ जाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे 5,000 भी आप डालकर आ जाइए। मिनिमम इसका अमाउंट होता है कि 5,000 रुपये आप लगाकर किसी भी ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 5,000 लेकर अगर चल रहे हैं तो अगर आपका किस्मत वाकई में अगर ऊपर वाला कुदरत अगर आपके साथ में है तो हो सकता है आप 5,000 से 50 लाख बना सकें। ये मैटर नहीं करता है, मैटर तो ये भी नहीं करता है कि देखिए 5,000 लगाकर 5 करोड़ भी बनाया जाता है। ठीक है, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये लोग जो बताते हैं कि 5,000 लगा के 50 लाख बना लीजिए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपको खुद जानने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन काफी सारे लोग ये भी मल्टीप्लाई करेगा कि 5,000 लगाए, 5,000 का 10,000 हो जाएगा, 10,000 का 20,000 हो जाएगा, 20 का 50, 50 का लाख, लाख का 100, 100 का करोड़। ऐसे एज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कई मेरा वीडियो आ चुका है, उस पर आप देखोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हम इस पर बात करेंगे, जो पॉइंट जो होता है, जो पैसा बुड़ने का सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, वो होता है स्कैल्पिंग। ठीक है, जो भाई स्कैल्पिंग करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट लेकर भागते हैं, सोचते हैं ना कि छोटा छोटा अमाउंट ले, छोटा छोटा अमाउंट ले, भाग ले, छोटा छोटा करे, प्रॉफिट जनरेट करे, भाग ले, छोटा अमाउंट ले, भैया वही चीज आपको बर्बाद करता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को ये दिमाग में नहीं आता है, लोगों को लगता है कि भाई हमारा तो हम ये कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वही प्रॉफिट आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। ठीक है, वही प्रॉफिट आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। छोटा छोटा काफी सारे लोग बताएंगे भैया आप ज्यादा का लालच मत करो, ज्यादा का लालच मत करो, ज्यादा का लालच, भैया वो भी तो कर रहे थे, वो भी तो एक लालच ही है। लेकिन ये वो लोग समझाता कहाँ है, क्योंकि वो लोग को तो चैनल को अपना बढ़ाना है, चैनल को व्यूअरशिप लेना है, वो लोग ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, दिखा रहा है, उसका व्यूअरशिप बढ़ रहा है, पैसा लोग का बन रहा है। ठीक है, उसका अगर 5,000 जाता भी है तो 5,000 वहां से रिकवर अगर हो जाता है, तो ये चीज आप लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वो चीज आप लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उसी का शिकार हम भी हुए थे, हम भी उसी का शिकार हुए थे। स्कैल्पिंग भैया ये शेयर भाग रहा है, लगा दो। और काफी सारा जो है ना, ये लोग का दिमाग भी क्या बताएं, अजीब हो गया है। यानी कि आजकल बहुत सारा चीज जो फेंक रहता है, लोग ज्यादातर फोकस उसी पर करते हैं। अगर लोग अगर सही अगर कुछ बताए ना, तो उसको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानना चाहता है, कोई सुनना भी नहीं चाहता है। तो जो ट्रेडिंग वाले यहाँ पे काफी सारे हमारे भाई है जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, काफी सारे लोग ट्रेडिंग खेलते हैं, जो लोग देख रहे हैं ना इसको, ज्यादातर लोग बर्बाद हुए होंगे, उनका लॉस लगा होगा, कहीं ना कहीं बुढ़े होंगे, वो 5,000 या 10,000 लेकर फील्ड में उतरे होंगे, वो भी गंवा कर चले आए होंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम 5,000 10,000, हमारा काफी ज्यादा बल्क में गया हुआ है, काफी ज्यादा बल्क में गया है। एक होता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों ये जो मोटिवेशन है ना, ये मोटिवेशन यहाँ पे आपको सटीक नहीं बैठेगा। ठीक है, एक होता है कि एक और मुहावरा कर देते हैं, वो कुछ दोहा से लिया गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान,
रस्सी आवत जात रहे सर पर परत निशान। इसका मतलब यह ना कि बार बार किसी भी चीज का प्रयास करने से वो चीज सफल हो जाता है, ठीक है। लेकिन होता है ऐसा नहीं कि अगर आप इस फील्ड में अगर आप करोड़ों रुपए अगर बुलाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाइएगा। जब परफेक्ट जब हो जाइएगा तो किसी दिन रिकवर हो जाए, लेकिन उतना पैसा आएगा कहाँ से आपके पास? बर्बाद करने के लिए उतना आपके पास में होना चाहिए ना। अगर बर्बाद मान के चलिए कर दिए, अगर आबाद अगर नहीं हुआ, अगर रिकवर अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, समझ रहे ना? फिर क्या होगा? तो बेसिकली हमारा कुछ मोटिवेशन ये देने का मतलब ये नहीं है कि आप हमसे प्रेरित हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बस हम आपको जो आप पर बीती कहानी है वो हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, बहुत सारा कुछ शेयर करने वाले हैं। और जो आपका बिजनेस में अगर आपको आना है, देखिए हर कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है, आप हो हम हो चाहे कोई भी हो, पैसा कमाने के लिए काम करता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके हमारा MZPR Marketplace से इंस्टाग्राम अकाउंट है, जाकर चेक कर लीजिए। MZPR Marketplace से फेसबुक है, जाकर देख लीजिए। MZPR Marketplace के नाम से जाकर यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। ज्ञानी इंडिया यूट्यूब चैनल, उसको भी जाकर चेक कर लीजिए। ऐसे बहुत सारा ऐसे मेरे अकाउंट है, चैनल से आईडी है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे लोगों को फायदा हम पहुंचाते हैं, घाटा की बात हम नहीं करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे लोगों को फायदा हो, वही चीज मेरा मेन मकसद रहता है। बर्बाद काम ज्यादा, क्योंकि बर्बाद का दूसरा नाम भी मेरा है, सुनील कुमार, ठीक है। काफी ज्यादा बर्बाद किए हैं, काफी ज्यादा सीख मिला है, और वो सीख जो है आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग जो किसी का वीडियो देख के ही आप लोग इस फील्ड में उतरे होंगे, बर्बाद होकर फिर इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये चीज को हम मानते हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अगर उस फील्ड में अगर जाना है। और देखिए ऐसा कोई फील्ड बुरा नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए सोचिएगा तो घटा है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो बेशक आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, कोई अगर अच्छा अगर शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें हमारा प्रॉफिट होगा, इसका भविष्य है, अगर भविष्य है तो बेशक आप उस पर जरिए, आपका पैसा वाकई में डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। ये हम नहीं कहते पैसा डबल नहीं हो, पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचिए, छोटा छोटा नहीं सोचिए, सोचना है बड़ा सोचिए। 5000 रुपया है, 10000 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं, 5000 10000 ही से आप कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं करिए, बड़ा करिए। छोटा छोटा नहीं लीजिए, बड़ा लीजिए, पेशेंस रख कर लीजिए। देखिए एक है ना कि आदमी मरने के बाद में जो है ना ऊपर ही जाता है, कुछ भी हो जाना सबको ऊपर ही है, मार्केट हो चाहे कुछ भी हो। अगर कोई अगर मार्केट फ्लॉप करेगा ना तो वो खत्म ही होगा, कहानी खत्म ही होगा। अगर मार्केट अगर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो बाजार खत्म है। हर चीज जो है ना ऊपर ही जाना है, थोड़ा ऊपर का सोचिए, लंबा सोचिए, 2 साल 5 साल 10 साल का सोचिए। बेशक स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में जानिए कि हाँ ये जो है ये चीज अगर जो मान के चलिए अभी इलेक्ट्रिक का जमाना है, इलेक्ट्रिक मान के चलिए हावी होने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रिक युग लगभग हावी होने वाला है, तो आप वहां पे ट्राई मार सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर हैं तो। आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये चीज मेरा फ्री ओपिनियन है, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्कैल्पिंग क्या है, इंट्राडे क्या है, जानना है इसका वीडियो हम ला देंगे, देख लीजिएगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। स्कैल्पिंग बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ, पूरा डिप में जाके हम आपको बताएंगे व्हाट इज ए स्कैल्पिंग, व्हाट इज ए स्कैम ऑफ स्कैल्पिंग, व्हाट इज ए स्कैल्पिंग बूस्ट क्या है, ये सारा कुछ बहुत सारा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि समंदर में मैंने डुबकी लगाकर निकला है दोस्त, और बहुत कुछ देखकर निकला है, बहुत कुछ गवा के निकला है, बहुत कुछ सोच और समझ के निकला है, इसलिए बताने का हम प्रयास करेंगे। देखिए नहीं देखिए आपकी मर्जी, बाकी जय श्री राम।